बात ये है कि मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये फिल्म रिलीज़ हो रही है। अच्छा। जिस फिल्म को इंटरनेशनली काफ़ी अक्लेम हुई, ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में टोरंटो अवार्ड्स मिले और फाइनली ये फिल्म रिलीज़ हो रही है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। ये ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर है ये फिल्म के जिसको अनदेखा कर दिया जाता है, लाइक जैसे सीग्रेट की फिल्म, सीग्रेट का जो वर्ल्ड था उस वक्त, उसके किरदार कैसे होते थे, फिल्म मेकर वो कैसे होते थे, उनका पर्सनल बिहेवियर कैसा होता था, उनकी पार्टीज़ कैसे होती थी, उस पूरे वर्ल्ड को स्क्रिप्ट में फिल्म में उतार के रख दिया डायरेक्टर ने, आशिम आलूवालिया ने। तो ऑफकोर्स एक ऐसा कि, और चूँकि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जब मैं शुरू में आया था, तो सीक्रेट फिल्में की मैंने एक दो और उन लोगों के साथ रहा हूँ मैं, तो काफ़ी जब मैंने इसकी पढ़ी तो काफ़ी चीज़ें बहुत सिमिलर कनेक्ट कर सकता था मैं एज एन एक्टर। तो जब किसी भी एक्टर को इस तरह का स्क्रिप्ट दी जाती है जो उसके लाइफ में उसका कनेक्शन है किसी न किसी लेवल पर, तो बड़ी खुशी होती है। तो ऑफकोर्स मुझे तो खुशी है दोनों तरीके से। पहला मेरा लीड रोल है, पहला मेरी लाइफ का पहला लीड रोल था ये, और इसलिए थोड़ा एक साल इसलिए देरी हो गई क्योंकि इसमें सेंसर में पास नहीं हो रही थी, काफ़ी कट्स उन्होंने सजेस्ट किए थे, लेकिन अल्टीमेटली कि बहुत ही माइनर कट करके इसको रिलीज़ किया। आशिम ने फाइट की इसके लिए, एक साल तो उसमें लग गया सेंसर के साथ, तो फाइनली रिलीज़ हो रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। रोल है मेरा सीक्रेट फिल्म मेकर हूँ मैं इसमें, सोनू दुग्गल नाम है इसका, और इसके बड़े भाई का नाम है विक्की दुग्गल। अब दो फिल्म मेकर हैं इसमें, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो स्ट्रगल करने आती है। अब दोनों भाई जो हैं अपने अपने तरीके से उसको लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो उसी में स्टोरी आगे ग्रो करती है। सबसे पहले मैंने इसका ऑडिशन दिया था, ऑडिशन में तो पूरी स्क्रिप्ट मिलती नहीं, सिर्फ आपको पीस मिलता है जो परफॉर्म करके दिखाना पड़ता है। तो वो किया मैंने ऑडिशन, और उसके बाद मुझे स्क्रिप्ट मिली, स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मिली मुझे। तो आशिम को लगा कि बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, बिल्कुल जो उसका उनका कैरेक्टर था सोनू दुग्गल, उससे बिल्कुल उसके जैसा ये कैरेक्टर लगता है, ये काम किया जैसे, और जो ऑडिशन दिया तो उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। आजकल तो काफ़ी हो रही हैं, मतलब 90% के 95% फिल्में सक्सेस हो रही हैं, क्योंकि वो उनका बहुत बड़ा बजट नहीं होता, और हर फिल्म से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि 100 करोड़ कमाए। उसकी जितना जितने बजट में वो बनी है, उसके उसका प्रमोशन मिला के वो जितना अगर कवर कर लेती है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये फिल्में वैसी नहीं है कि जो 100 करोड़ कमा के दें आपको, लेकिन ये फिल्म ऐसी है कि जो 100 करोड़ या इस तरह की जो फिल्में होती हैं वो आप फिल्म देख के भूल जाते हैं, लेकिन ये फिल्म अगर आप देख लेंगे तो सालों साल आपके दिमाग से ये फिल्म नहीं निकलेगी। ये तो फैमिली के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो किस तरह की फैमिली है। जो फैमिली चीप जोक सुन लेती है जाके, तो वो फिल्म वो लोग ये फिल्में भी देख सकते हैं, एडल्ट फिल्म है। और हम लोग इस फिल्म को ज़्यादातर हर मास के लिए टारगेट भी नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सर्टेन ऑडियंस है जो हमारी फिल्मों को इस तरह की फिल्मों को देखने आती है, वही फिल्में देखें, वही लोग देखें आगे इस फिल्म। उनके साथ बहुत अच्छा अनुभव था निहारिका के साथ, एक बहुत ऑनेस्ट परफॉर्मेंस रही है उसमें, आपको फिल्म देख के पता चलेगा कि और जो किरदार है उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, और जो ऑथेंटिक जिस तरीके से लोग छोटे शहरों से आते हैं उस तरह का किरदार है इनका, जो बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं कि उसकी फिल्म में हमें काम मिल जाएगा, ये वो उस तरह की जो नॉर्मल जो एक्ट्रेसेस आती हैं छोटे छोटे शहरों से, उस तरह का उनका कैरेक्टर है। देखिए मैंने तो एबिलिटी क्या प्रूव करेगा ये सोच के तो कोई एक्टर काम करता नहीं। मेरे ख्याल से मुझे लगता था कि एक बहुत अच्छी फिल्म है, इसका पार्ट होना एक प्राउड की बात है, तो उस लिहाज से मैंने ये फिल्म की है। अब यहाँ पर कितना वर्क करेगा ये हमारे कंट्री में इतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे मैं इंटरनेशनली जब कान में ये फिल्म थी और जब बाहर कंट्री में फिल्म की स्क्रीनिंग होती थी तो तब तो काफ़ी अप्रिसिएशन मिलता था, तो अब यहाँ पे कितना वर्क करेगा तो अभी जब रिलीज़ होगी तभी पता चलेगा। हाँ, मैं इस साल जो है मेरे ख्याल से मेरी 4-5 फिल्में रिलीज़ होंगी, जिसमें एक माउंटेन मैन है जो जतिन मेहता ने डायरेक्ट की है, हरामखोर है जो श्लोक शर्मा ने डायरेक्ट की है, और एक धूम केतु है जो कॉमेडी फिल्म है, जो फैंटम की फिल्म है, और किक भी इस साल रिलीज़ होगी। तो
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 4-5 फिल्में तो रिलीज़ होंगी इस साल. ऑफकोर्स एक सेटिस्फेक्शन तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं. जिस तरीके से लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि भाई ये डिफरेंट किरदार लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह की वो एक्सपेक्टेशन जो है लोगों की, वो एक चैलेंज देने वाली होती है. तो मैं चाहता हूँ कि उनके वो उसी तरीके से अपना काम करता रहा हूँ, जिस इंस्टिंक्ट की वजह से लोग मुझे जानते हैं वो आगे तक कायम रहे. इन्जॉय तो यार क्या करें, बस यही है कि पहले भी काम कर रहे थे मज़दूरों की तरह, अभी भी मज़दूरों की तरह काम ही कर रहे हैं. तो इन्जॉय पहचान बन के वो कह रहा हूँ कि अगर ये अच्छी बात है, लोग इज्जत देते हैं तो उसको सर झुका के ले लेनी चाहिए, अदरवाइज वो दूसरी बात है. मेरे पास एक हैचलिंग है शेयर फिल्म्स का, और मेरे पास 10 फिल्म्स का डाउनस्टेयर्स करिए.